है फिर से रजत रॉय ऑनलाइन एक्टिंग के इस सेशन में। आज स्पेशली मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप सबको कई दिन से कह रहा था एक कास्टिंग के बारे में और एक फिल्म मेकिंग के बारे में, जो कि हमारे ग्रुप में ही जो मारमेड मूवीज हैं वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ हमारा एक गेट टूगेदर है। कई लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से कई लोग तो आए नहीं अभी फिलहाल, फिर भी हमारे प्रोडक्शन टीम के कुछ लोग हमारे साथ हैं और हम आज फर्स्ट डे जो ऑडिशन था हमने लिया, कल भी ऑडिशन है। बातें करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कल का ऑडिशन 28 को है। अगर आज ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो कल जरूर आइए जो भी लोग कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे डिफिकल्ट काम है कास्टिंग का। और मैं आप सबको जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं हमेशा ये बताया हूँ कि कास्टिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप सब लोग बोलते हैं कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्ट्रेस बनूंगा, लेकिन आज का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है करीब हम 50-60 लोगों का ऑडिशन लिए, शायद एक या दो लोग हमारे जो क्राइटेरिया है उसमें बैठ पाए। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो जो हम कैरेक्टर चाहते हैं, ये हमारी बात छोड़ दीजिए, कोई भी फिल्म में आप जब भी कैरेक्टर के लिए जाते हैं तो उसको आपको समझना होता है कि उस फिल्म में किस चीज का रिक्वायरमेंट है। हो सकता है बॉडी बिल्डर चाहिए या लड़कियां स्लिम चाहिए। अब सारे क्राइटेरिया मिलने के बाद आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपका लैंग्वेज बराबर नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, हिंदी या जो भी लैंग्वेज, तो फिर से आप रिजेक्ट होते हैं। तो इतने सारे क्राइटेरिया के बीच में एक फिल्म बनती है। और आज सच में मैं महसूस कर पा रहा हूं कि एक कास्टिंग का जॉब कितना टफ जॉब है। और स्टिल सच बताओ आज की डेट में भी हम पूरी कास्टिंग नहीं कर पाए। कल का एक दिन है और आप सबकी अगर दुआ रहेगी तो कल के कल हम ये कास्टिंग को कंप्लीट करेंगे। एनीवे, मैं यहां पर हूं मारमेड मूवीज के जो प्रोडक्शन हाउस है उनके सारे टीम मेंबर के साथ, मैं भी उसमें से एक मेंबर हूं। और मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सबसे पहले ये टू इन वन है, ये हमारे ग्रुप में मेंबर तो है प्लस ही इज द विलन। हमारा जो मेन विलन अल्तमस का जो कैरेक्टर हमने फाइनल किया है, ही इज द पर्सन। इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत डेडिकेटेड है और करीब अपने बॉडी को तैयार करने के लिए काफी समय, काफी वक्त, काफी पैसे खर्च किए हैं अपने ऊपर, जिससे अब उस बॉडी को ला पाए, पोर्ट्रेट कर पाए। ये सब आपके सीखने के लिए भी है, क्योंकि प्लस माइनस कारण आपने जो बॉडी में ऑयल लगा के अपने आप को ब्लैक किया है, ये कलर ऐसा नहीं था, इन्होंने चेंज किया है। ये आपको बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको डेडिकेशन समझना है एकदम, क्योंकि ये मेरा पहला मूवी है। अच्छा, टेबल द सीक्रेट एजेंट। और मुझे जब दादा ने इस विलेन कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया तो मैंने सोचा कि विलेन कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा माने बॉडी तो अच्छा होनी चाहिए, साथ साथ थोड़ा सा लुक्स में थोड़ा कालापन थोड़ा रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि बॉडी तो मैं बना ही रहा हूँ, साथ साथ विलेन कैरेक्टर के लिए अपना लुक्स को भी चेंज करूँ। दादा ने मुझे जैसे गाइड किया, मुझे जैसे बोला, मैंने दादा जो कह रहे हैं इनको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि दादा जो डायरेक्ट कर रहे हैं उसे मैं लास्ट में मिलवाऊंगा आपसे, लेकिन इनका कहना जो है, हालांकि करण सॉरी बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते, करण से हम एक और इंटरव्यू लेंगे जिसमें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे यहाँ तक पहुंचे ये और कैसे मूवी तक हमारे पास आए और कितना स्ट्रगल था, जिसे आपको भी सीखने को मिलेगा। सेकंड, आई एम सॉरी मेरा फोन आ गया, मैं उसको बंद करता हूँ। अच्छा, सेकंड मैं इसे मिलाता हूँ जीत, जो है जीत असिस्टेंट डायरेक्टर है इस फिल्म का, और इनको भी मैंने देखा काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ठीक है सीख रहे हैं धीरे धीरे, और भी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस है। रचना ये भी टीम मेंबर है हमारे प्रोडक्शन टीम का, प्रोडक्शन टीम में ये मैं सुबेरे से देखा कंप्यूटर लेके बैठे हुए थे और काफी डेटा वगैरह अकाउंट से वो सारा कुछ ये हैंडल कर रहे हैं। ये है मारमेड मूवीज के एंजल, एंजल। अच्छा, हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि एंजल, तो एंजल तो है और बड़ी प्यारी सी प्रोड्यूसर, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर नहीं बोलेंगे ना है, और बहुत इनका नाम भी खुशी है और हमेशा खुश रहती है, खुश होते होते कभी रेड भी हो जाती है, तब सबको डर लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन शी इज ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे दिल की है। नेक्स्ट जो
मैं सच में इनको बहुत दिल से प्यार करता हूँ और इज्जत करता हूँ। वो हैं प्रिंस, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और सारा अरेंजमेंट इनके थ्रू से हुआ है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनके अंदर एक जबरदस्त मुझे बिजनेस सेंस दिखता है कि किसी चीज को हम अगर बना रहे हैं तो उसको सेल भी कैसे करें। इनका प्लानिंग ये बहुत अच्छा पहले कर लेते हैं, और जो आपको भी सीखना है ना, क्योंकि जब आप पहले से प्री प्लान्ड हो जाते हैं ना तो आपकी चीजें बड़े आसानी से हो जाती है। तो प्रिंस थैंक यू सो मच, आपने मुझे भी इज्जत दिया और इतना रिस्पेक्ट मुझे मिला, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू। ये है मिमी, जो हमारे टीम के एक मेंबर हैं और आर्टिस्ट हैं, कई सारा काम किए हैं, बहुत ही अच्छी डांसर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और द फाइनल मिस्टर रुद्रो, जो कि मेरे डार्लिंग फ्रेंड हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इनके बारे में बता दूं, ही सो क्रिएटिव कि रात को भी अचानक अचानक उठ के बैठ जाते हैं, क्रिएटिव कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, और मैंने ये चीज देखा है। तो बात बहुत कम करते हैं, तो और जब बात करते किसी को बोलने नहीं देते, ये भी मैंने देखा है। तो एनीवे वंडरफुल, इनके हाथों में कई सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं और आ रहे हैं, जो कि हम लोग सब टीम मिलके, सब साथ में मिलके करेंगे अगले दो तीन जो भी काम है। ये हमारी छोटी सी बच्ची, जो अभी खाना देते समय मेरे पानी गिरा दिया था लेकिन बहुत प्यारी है, और इसका नाम है माया। हाँ माया, मुझे पता है। तो माया, तो ये बिल्कुल माया की तरह है, इमोशनल है, और शी इज वेरी हार्ड वर्कर। मैंने मॉर्निंग से देखा कि इन्होंने काफी मेहनत किया, इतने सारे लोगों का ऑडिशन पूरा अरेंज करना, लिखना, और खुद भी आर्टिस्ट हैं, कई सारे काम करती रहती हैं, और हाँ आर्टिस्ट ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा पूरा टीम है। टीम में ना कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं, सब मिल के काम कर रहे हैं, है ना। और इसीलिए हम मुंबई से यहाँ पर, मैं थोड़ा पहले ही आ गया हूँ और चीजों को अरेंज कर रहा हूँ। दैट्स ऑल आज के लिए, मुझे आपका इंट्रोडक्शन करवाना था हमारे टीम से, और बस आपका ब्लेसिंग चाहिए, दुआ चाहिए, जिससे कि हम हमारे फील्ड में बहुत आगे बढ़े। और ये फिल्म के लिए स्पेशली आपको ब्लेस करना है। देखिए, कोई छोटा हो या बड़ा हो, ब्लेसिंग सबका लगता है अगर वो दिल से दिया जाए। अगर दिल से आप ब्लेस करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि हम ये फिल्म भी हम बहुत बड़ी हिट करेंगे, और साथ में और भी फिल्में हमें मिलेंगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस। थैंक यू।